इस कहानी के लेखक है संजय कामले। पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। मतलब ये कि हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज ना आ रही हो इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है और वहाँ मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाजा खोलकर हमें वहाँ भी उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोक कर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया, अब तुम डराओ मत, वैसे भी बुरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं। चलो। विवेक के साथ सुनैना, सचिन के साथ अतुल, दो दो की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था, जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और पेपर टेप से खिड़कियां ढकने में जुट गए। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था, एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था, लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हुए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे? सचिन की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अतुल ने कहा, जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक सब कुछ तैयार कर लिया है। अतुल की बात सुनकर सुनैना दोबारा से सबको सूचनाएं देने लगी। अपने अपने मोबाइल हर 15 मिनट में चेक करते रहना, कहीं वो स्विच ऑफ ना हो जाए। मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देना ताकि उसकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। हमारे आगे पॉकेट पर लगा और उसके पीछे के कॉलर पर लगे इन दोनों कैमरों को बीच बीच में मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करते रहना। सुनैना की बात खत्म होते ही सचिन दोबारा से सबको सूचना देने लगा। यहाँ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, यहाँ क्या हो चुका है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक हमें चलना होगा। सचिन को बीच में ही रोकते हुए विवेक बोलने लगा, ठीक है सचिन, पर यार तुम कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो। विवेक, मैं ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस बंगले में हैं यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंसानी बस्ती नहीं। इसका मतलब इस सन्नाटे में अगर हम चारों एक साथ पूरी ताकत से भी चिल्लाएं फिर भी किसी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप लोगों का तो नहीं पता लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के डर का सामना नहीं किया। सचिन की गंभीर आवाज को सुनते हुए सुनैना बोली, सही कहा, हमें सब कुछ याद करके रखना है, किसी भी हाल में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। अगर किसी बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई तुमको आवाज देता है तो पलट कर उस आवाज को जवाब नहीं देना है। अगर दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई दस्तक देता है
तब भी आपको वो दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे वो चीखे चिल्लाए रोए गिड़गिड़ाए, क्योंकि हमें फंसाने के लिए वो शक्ति कुछ भी कर सकती है। पर हम यहाँ राहुल को ढूंढने आए हैं, अगर किसी कमरे में राहुल फंसा हुआ हो और वो हमें आवाज दे रहा हो तो क्या करें? विवेक का सवाल जायज था। उसकी बात सुनकर सचिन धीमी आवाज में सबकी तरफ देखते हुए एक एक बात समझाने लगा। बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर किसी कारणवश हम बिछड़ जाते हैं तो। अपनी बात को बीच में ही काटते हुए सचिन ने अपनी बैग खोली और उसमें रखे पेन और कुछ कोरे कागज के टुकड़े दिखाते हुए बोला, इस बैग में दो दो पेन का सेट है और मजबूत धागा भी है। हमें दो पेन अपने पॉकेट के साथ मजबूती से बांधने हैं, साथ ही ये कुछ कोरे कागज हमारे बीच वाले पॉकेट में रखने हैं। मान लो अगर हम बिछड़ जाते हैं तो जिस भी कमरे में हमें अपने दोस्तों के होने की मौजूदगी का अंदेशा होता है, उस पर हमें अपना नाम लिखकर दरवाजे की दूसरी तरफ सरकाना है, ताकि अंदर जो भी है उसे ये पता चले कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ जो होगा वो उस कागज पर अपना नाम लिखकर तुम्हें दोबारा वो कागज दरवाजे के नीचे से देगा। यही बात राहुल को ढूंढने पर भी लागू होती। सचिन की बात सुनते ही सुनैना ने कहा, मतलब अगर राहुल हमें किसी कमरे से आवाज लगा रहा है तो हमें अपना नाम कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से राहुल को वो कागज और पेन देना है। अगर कमरे की दूसरी तरफ राहुल है तो वो अपना नाम लिखकर हमें अपने होने की जानकारी देगा और उसके बाद ही हमें वो दरवाजा खोलना है। सब सुनैना की बात ध्यान से सुन रहे थे। उसने फिर एक बार अपने सभी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम सबको एक बात समझनी है, यहाँ पर मौजूद वो आत्माएं अपना नाम नहीं बताएंगी और ना ही हम लोगों का झूठा नाम कागज पर लिखेंगी। अगर दरवाजे के नीचे से सरकाई हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है तो समझ लेना कमरे के भीतर राहुल या हमारा बिछड़ा साथी नहीं है, और अगर उस कमरे के भीतर से कोई आवाज या दस्तक नहीं आती है तभी हमें वो दरवाजा खोलकर उस जगह उजाला करना है। सुनैना की बात सुनकर अतुल हैरान हो गया। सुनैना, लगता है तुमने भी काफी जानकारी इकट्ठा की है। अतुल की बात सुनकर सुनैना कुछ बोले, तभी विवेक बोल पड़ा, सुनैना राहुल के पीछे, राहुल भूतों के पीछे, और वे भूत हम सब के पीछे, टू मच फन। सचिन ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और फिर बोलने लगा, इस बैग में मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर और माचिस की डिबिया भी है, साथ ही चार टॉर्च भी है। सब एक टॉर्च, एक लाइटर और एक माचिस की डिबिया अपनी जेब में रख लो। चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। सचिन, वैसे भी मोबाइल का टॉर्च तो है, तो इस एक्स्ट्रा टॉर्च की क्या जरूरत थी? हमारे पास रोशनी के जितने सोर्स होंगे हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और कोई सवाल? सचिन की वो गंभीर आवाज उस जगह फैले वीरान सन्नाटे में गूंज रही थी। सचिन की बात सुनकर सब खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुड, चलो चीजें उठाओ और जैसा कहा है वैसा करो। सबकी नजर अपने हाथों में लिए मोबाइल की स्क्रीन पर थी। 12 बज चुके थे, सब तैयारी में जुट गए। सुनैना ने अपनी जींस की दाई पॉकेट में लाइटर और बाई पॉकेट में माचिस की डिबिया रखी। अतुल ने कोरे कागज पिछले पॉकेट में सरकाए, तभी सचिन का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखते हुए सचिन ने कॉल रिसीव किया। बोलो। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। लव यू जान। सबकी तरफ देखते हुए सचिन ने कहा, सॉरी यार, राधिका का फोन था, बेकार में फिक्र कर रही थी। और मोबाइल की तरफ देखकर वो खुद भी चौंक गया। उसके हाथ में मोबाइल नहीं था, उसका मोबाइल अभी भी उसकी पॉकेट में ही था। वो समझ गया था कि कुछ अजीब सा हुआ है। सबको इस तरह डरा हुआ देखकर सचिन धीमी आवाज में बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो काम पर चलते हैं। लेकिन सुनैना को पता चल चुका था कि यह मजाक नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे, सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले नजरों से इशारा करते हुए दो दो की टीम में बट गए। हॉल के बीचों बीच रखी हुई दूसरी बैग सुनैना ने खोली और उसमें से एक मोमबत्ती निकाली। तभी
अपने एक हाथ में लाइटर और माचिस की डिबिया देखते हुए विवेक बोला, यार लाइटर के होते हुए माचिस की डिबिया की क्या जरूरत थी? सचिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले हम हॉल के भीतर कुछ मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं ताकि यहाँ पर उजाला हो सके। उसने टॉर्च जमीन पर रख दी, जेब से लाइटर निकाला और अंगूठे से उसका बटन दबाया, पर लाइटर जल नहीं रहा था। उसने दोबारा कोशिश की और फिर लाइटर की खट 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 इस तरह की आवाज उस बड़े से खाली पड़े हॉल के अंदर हर कोई साफ साफ सुन रहा था। एक, दो, तीन, चार, पांच। सुनैना लगातार लाइटर जलाने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर सब हैरान हो गए। सुनैना के हाथ का लाइटर ना जलता देख हर किसी ने अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और चेक करने लगे और मानो सबके होश उड़ गए, किसी के भी हाथ का लाइटर नहीं जल रहा था। हर कोई डर भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। विवेक का तो गला ही मानो सूख गया। सब कोशिश कर रहे थे खट 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 खट, पर बंगले के भीतर गहरे काले सन्नाटे में सिर्फ लाइटर को जलाने की आवाज गूंज रही थी। और अगले ही पल सबके हाथ के लाइटर जैसे एक साथ जल पड़े। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अपनी सांसें थामकर हाथ में जलता हुआ लाइटर की पीले लौ को देखते हुए सुनैना ने सब दोस्तों की ओर एक नजर डाली और कहा, शायद खेल शुरू हो चुका है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।